मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में बिजली विभाग की तानाशाही हावी है। ऐसे में आम ग्रामीण जन और किसान बिजली की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुल 24 घंटे में मात्र 6 से लेकर 8 घंटे तक बड़ी ही मुश्किल से बिजली दिया जाना और वह भी मात्र एक फेस में बिजली उपलब्ध कराए जाने से किसानों में आक्रोश है। साथ ही रीवा संभाग में हजारों की संख्या में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, जिसकी वजह से सूखे और अकाल जैसी स्थिति में किसानों को जहाँ सिंचाई के लिए दिक्कत हो रही है, वही महीनों से घरों में अंधेरा पसरा हुआ है। इस बात को लेकर पूरे रीवा संभाग में जगह जगह किसान और ग्रामीण जन मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों के विरुद्ध खुलकर सामने आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह गांव-गांव बिजली विभाग के आला अधिकारियों और मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सोरहवा और मिसिरा के बाद अब क्योंटा के लोगों ने सरकार और बिजली विभाग के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। अभी पिछले दिनों ही सोरहवा और मिसिरा ग्राम के ट्रांसफार्मर न बदले जाने के कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखा था और बिजली विभाग एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम से मुर्दाबाद के नारे लगाए थे और तत्काल ट्रांसफार्मर बदले जाने की मांग की थी। साथ में ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि बिजली विभाग के आला अधिकारियों की सह से गाँव के किसानों और गरीब जनता से चंदा इकट्ठा कर रिश्वत के पैसे की मांग की जा रही है, जिस पर भी ग्रामीणों ने कार्यवाही की मांग की थी। इसी तारतम्य में लोटनी पंचायत के ग्राम क्योटा में भी भूतपूर्व सरपंच इंद्रभान पटेल एवं राधे श्याम शुक्ला की अगुवाई में दर्जनों ग्रामीणों ने जले हुए ट्रांसफार्मर के समक्ष उपस्थित होकर सरकार और बिजली विभाग की नीतियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर चंदे से रिश्वत लेकर ट्रांसफार्मर बदले जाने के भी आरोप लगाए हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार और बिजली विभाग की नीतियों के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश फूट रहा है, आगे आने वाले समय में ऊर्जा विभाग किस प्रकार मामले को हैंडल करता है और कितना जल्दी ग्रामीण क्षेत्रों में जले हुए ट्रांसफार्मर बदलता है। ज्ञातव्य है कि मध्य प्रदेश सरकार की ऊर्जा विभाग को लेकर कोई ठोस नीतियां ना होने के कारण यह समस्याएं बढ़ी हुई हैं। एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार अटल बिजली के नाम पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के खोखले दावे करती है, वहीं संभाग में सूखे अकाल की स्थितियों में किसानों को 6 घंटे भी बिजली उपलब्ध ना करवाते हुए अपने ही मजाक का पात्र बनती है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि यदि मध्य प्रदेश सरकार और ऊर्जा विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई ठोस नीति सामने नहीं आती है, ऐसे में आने वाले समय में सरकार और ऊर्जा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा सरकार को आने वाले आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। स्वतंत्रता दिवस न मनाओ, हमारा कोई अधिकार नहीं है, नहीं है। हम लोग परेशान है, खूब परेशान है, खेती बिना हो गए हैं, खेती बिना हो गए हैं, साल भर से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, कहने पर पैसा मांगते हैं, कहने पर पैसा मांगते हैं, कहने पर पैसा मांगते हैं, 5,000 रुपए दिया गया है, हम चंद्रभान यादव बोलते हैं, केवटा ग्राम केवटा का पोस्ट हिनौती। हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर 3 ट्रांसफार्मर है, तीनों ट्रांसफार्मर जड़ा है, हम लोग गरीब आदमी हैं, परेशान हैं। न किसी का घर का बिजली जलती है, न किसी का पंप चलता है, और यहाँ लोग जो आते हैं लाइन मैन वगैरह, तो ये लोग पैसा मांगते हैं, बोलते हैं चंदा हुआ हो और पैसा जमा करो तब मतलब ट्रांसफार्मर लगे। तो हम लोग गरीब आदमी क्या करें, सब लोग परेशान हैं, कोई सुनने वाला है नहीं हमारे पास। हम लोग यहाँ बोलते हैं कि यहाँ झंडा फहराओ, तो हम लोग यहाँ झंडा कैसे फहराएं, यहाँ अंग्रेजों का दृश्य था, इसी अभी तक है। हम लोग जो स्वतंत्र हो जाएं, कुछ हम लोग अच्छा लगे तो हम लोग भी झंडा फहराएं। मैं केवटा गांव का राधे श्याम शुक्ला हूं। मेरा ट्रांसफार्मर जर गया है, 6 महीने से जरा हुआ ट्रांसफार्मर है। यहां पैसा मांगते हैं कि ले आओ पैसा जमा करो तो तुम्हारा ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। हमारी फसल पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है, जो फसल लगने वाली थी वो भी अभी लाइन पड़ा हुआ है लगाने के लिए।
एक भी पाए यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। शिकायत होती है तो वहाँ डांट के भगाते हैं कि जाओ ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। हमारे यहाँ तो हर घर में झंडा बांटा गया है, कहते हैं स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस मनाओ। हमारे यहाँ स्वतंत्रता काहे की है? स्वतंत्रता दिवस हम लोग नहीं मनाएंगे। हमारे यहाँ जब खाने के लिए नहीं है, स्वतंत्रता दिवस का है? यहाँ अंग्रेजों से जैसा कार्यकाल चल रहा है, अंग्रेजों के ज़माने में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता था, अब स्वतंत्रता दिवस के लिए जिक्र करके मनाया जाए। हर घर में झंडा फैला रहा है, हम लोग स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाएंगे। हम किसान हैं, भूखों मर रहे हैं। मेरा नाम रामराज पटेल है, मैं ग्राम केवटा का निवासी हूँ। मेरी कृषि धंधा है। मैं ये चाहता हूँ मेरा ट्रांसफार्मर लग गया। मैं गया शिकायत किया, शिकायत करने में भी बोलते हैं कि पैसा लाओ और बिजली का बिल जमा नहीं है, बिजली के बिल पूरा पेड हुआ है, फिर भी नहीं लगा रहे हैं। तो हम लोग किसान हैं, क्या करें? बीजेपी सरकार में वही अंग्रेजों जैसा व्यवहार चल रहा है। जब मैं पैसा किसानी से कमाता हूँ और ले जाऊँगा कमा के, तभी तो मैं पैसा दूँगा बिजली का, नहीं कहाँ पाऊँगा तो भरूँगा। मेरा नाम अनुराग पटेल है, मैं केवटा ग्राम का निवासी हूँ जो कि लटन पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ का ट्रांसफार्मर ये देख रहे हैं आप, पीछे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि पिछले 6 महीने से जला हुआ है। इसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने कई बार सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है, लगभग वहाँ से तो निराकरण करने की आदेश दे दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ का कोई भी कर्मचारी यहाँ के कुछ नहीं करता, ना ही कहीं पर निगरानी होती है उसकी, ना ही कुछ किया जाता है। जब हम लोग यहाँ भी फ़ोन करते हैं तो यहाँ भी केवल यही कह दिया जाता है कि आपका ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं की गई है। और जब हम लोग ने इसकी शिकायत की तो यहाँ पे 5,000 रुपये भी लिया गया, जो कि हमारे घर से हमारे चाचा श्री ने दिया था। तो उसके बाद एक ट्रांसफार्मर लगाया गया जो कि वो भी तीनों फेज जला हुआ था। और उसके बाद दूसरी बार जब हम लोगों ने शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं की गई उसमें, ना कोई वहाँ से आया कि यहाँ पे आके देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आप बोल रहे हैं ये आज़ादी का अमृत महोत्सव कुछ मना रहे हैं, बोल रहे हैं हर घर झंडा फहराओ, हम कैसे फहरा लें इस झंडे को जब यहाँ पे अंग्रेजों के शासनकाल में ये झंडा नहीं फहराया गया, और ये आप बोल रहे हैं कि झंडा फहराओ, और जब यहाँ हमारे यहाँ इतनी शिकायतें हैं उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो हम झंडा कैसे फहरा लें? हमारा क्या महत्व बनता है झंडा फहराने का फिर, जब यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? हम लोग क्या करें, अब कहाँ से शिकायत करें, अब किसके पास जाएं? तो नाम है, हमारे घर में लाइट भी नहीं है, खंभा आज कई साल से गड़ा हुआ, तार भी नहीं खींचा है, अंधेरे में मरते हैं, लड़का बच्चा रोते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अब जो तेल भी नहीं मिलता है, तेल लेने योग्य नहीं हूँ, हम गरीब आदमी, 90 रुपये लीटर तेल है तो कहाँ से खरीद पाए, 2 पैसा की कमाई करते हैं। अब किसान थोड़ा बहुत जो किसानी करते हैं, अधिया तिहरा लेकर उसको सींचने को लगाने को कहीं पानी भी नहीं है, हम कहाँ से किसानी करी, कहाँ से पैसा लाई, कहाँ से खाने का व्यवस्था करी, कहाँ से बिजली का बिल भरी, का करी। जब मजदूर आदमी मजदूरी करे के माथे पेट चलाई कि किसानी करी। मैं इस ग्राम पंचायत लोटनी का ग्राम केवटा का निवासी हूँ। मेरे गांव में बिजली की भारी समस्या है, बिजली बिना हमारे खेती पाती हमारे यहाँ का पूरी बर्बाद हो चुकी है। अब मैंने एक बार वहाँ भी शिकायत किया था, शिकायत 6 महीना बाद फिर हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा, वो ट्रांसफार्मर जल गया, और जलने के बाद जब मैंने पुनः वहाँ कहा कि ये ट्रांसफार्मर जल चुका है तो कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद में जब हमारे घर के लोग गए, मैं नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? इसलिए कि बार बार कहने पर भी मेरा बात जब नहीं सुनी गई, मैं नहीं गया। मेरे घर के लोग गए और वहाँ पर 5,000 रुपये देकर आए, और वो रिजेक्ट ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ लगाया गया, उससे एक भी मोटर नहीं चल रहा है, पूरी फसल बर्बाद हो गई है। इस तरह से हम लोग स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाएं जब हमारा लोगों का कोई प्रकार से सुनाव नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, कोई सुनता नहीं है, तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने के हकदार भी नहीं हैं।